आजाद भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र की सरकार एक ऐसी सरकार बनी है, एक ऐसी तानाशाही मोदी सरकार जिसने अपने निजी मित्रों को फायदा देने के उद्देश्य से देश की मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार जो किसान है, उन किसानों के हकों और अधिकारों के विरुद्ध जाकर तीन काले कानून किसानों पर आज से लगभग एक डेढ़ वर्ष पूर्व थोपने का प्रयास किया। लेकिन गांधी के इस देश में गांधी के बताए हुए अहिंसा के रास्ते पर चलकर किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ी और लगभग एक वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद और 700 से अधिक किसानों की शहादत के बाद केंद्र की इस तानाशाही मोदी सरकार को झुकना पड़ा, बैकफुट पर आना पड़ा और तीन काले कानून जो थोपने का प्रयास किया उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। किसानों की जो मुख्य मांगे थी, चाहे MSP की बात हो, चाहे जिन किसानों की शहादत हो चुकी है उनको मुआवजा देने की बात हो, या जिन किसानों पर फर्जी और झूठे मुकदमे सरकार ने दर्ज किए हैं उन मुकदमों को वापस लेने की बात हो, बिजली कानून की बात हो, प्रदूषण कानून की बात हो, सारी की सारी मांगों को आखिरकार केंद्र की तानाशाही मोदी सरकार को मानना पड़ा, किसानों के सामने झुकना पड़ा। किसान इस देश का अवशेष नहीं।